Next type of asexual reproduction is this spore formation. Formation of new individual by germination of spores. Spores क्या होते हैं? Unicellular bodies होती है जो capable होती है new individual को बनाने में. तो different types of spores we can see. तो spores ये hyphae होती है और ये जो sporangia होती है sporangia और sporangia में spore मिलते हैं और after जब favorable condition होती है तो ये यहां से डाइसेंस कर जाते हैं स्पोर्स. तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, नंबर वन इज जू स्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स होता है, बाइफ्लेजिलेट होता है, एग्जांपल इज क्लेमाइडोमोनास, ओनिडिया, एग्जांपल इज पेनिसिलियम, द स्पोर्स इन फॉर्म ऑफ चेन्स, चेन्स की फॉर्म में होते हैं. ओइडिया इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्पोर्स. तो स्पोर्स formation of new individual by germination of spores and the spores is a type of asexual reproduction in which different types of spores can help in germination of new individuals. Next type of asexual reproduction is vegetative propagation. इसमें हम root का use करते हैं, stem का use करते हैं और leaves का use करते हैं. First we will take example of stem. तो stem होता है runner, offset, tubers, rhizome, bulb, cone, suckers and स्टोलन. तो रनर्स में क्या होता है, दूब घास जैसे होती है. ये जो स्टेम होता है ये पैरेलल होता है, ये जैसे ग्राउंड को टच होता है ये सूट और रूट जनरेट करने लग जाता है. इसका एग्जांपल है साइनोडोन, दूब घास. सेकंड है ऑफसेट, ऑफसेट का एग्जांपल है वाटर हेसिंथ, इकोर्निया जिसका साइंटिफिक नेम है, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं. ये क्या होता है, ये फ्लोट कर रहा होता है. ये जैसे नोड और इंटरनोड, इसमें ये नोडल पार्ट से जाता है और जैसे ये टच होता है किसी भी स्टैक को तो ये सूट और रूट जनरेट करने लग जाता है और कुछ टाइम बाद ये इंटरनोड है जो दो नोड के बीच का ये रीजनरेट हो जाता है और ये फ्री फ्लोटिंग हो जाते हैं. और इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी सुंदरता और लीव्स और फ्लावर्स को देख के इंडिया में लाया गया था, बट अब इसने बंगाल में, बंगाल का टेरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इसने बंगाल की जो भी झील्स थी उनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को कम कर दिया है. वो थोड़ा सा पानी वो आते ही वो ओवरफ्लो हो जाती है, बाढ़ बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है वहां पे. मतलब पूरी तरह से ये फेल गए और किसी भी तरीके से इसको वाटर हेसिंथ को वहां से निकाल नहीं पा रहे हैं. जितना इसको काट पीट के अलग किया जाता है ये उतना ही प्रोपेगेट हो जाता है. थर्ड वन इज ए ट्यूबर, पोटैटो. पोटैटो की आईज में जो नोड्स होता है वहां से नया पोटैटो जर्मिनेट कर सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम में. राइजोम भी अंडरग्राउंड स्टेम है जो जिंजर में मिलता है और जिसमें ये लाइनिंग्स होती है, यहाँ में नोड्स होते हैं, यहाँ से जनरेट होता है. राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजर एंड बनाना, बल्ब का एग्जाम्पल है ओनियन एंड गार्लिक, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होता है. कॉर्न होता है, कॉर्न का एग्जाम्पल है कोलोकेशिया, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होता है. और नेक्स्ट है सकर्स और स्टोलन. रनर्स, सकर्स एंड स्टोलन में ये अंतर है, ये ग्राउंड के ऊपर है ये वाला सूट और ये ग्राउंड के नीचे है और ये एक आर्क के रूप में फ्लोटिंग के रूप में. इसमें स्टोलन में, स्टोलन का एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी. एंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अगर हम रूट को यूज करेंगे तो एग्जाम्पल है वर्जिया सीसो, सीसम वुड एंड स्वीट पोटेटो. इसमें रूट हैव रेडिकल बर्ड और इस रेडिकल बर्ड से ही नया प्लांट जर्मिनेट होता है. अगर हम लीव्स को यूज करेंगे तो उसका एग्जांपल है ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया. इनमें क्या होता है, फोलियर बर्ड होती है इनके लीव्स के नोड्स पे और ये नया प्लांट जर्मिनेट करती हैं. तो जब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रूट, स्टेम एंड लीव्स को यूज करते हैं तो वो कहलाता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. जब हम रूट, स्टेम एंड लीव्स को यूज करते हैं और अगर हम इनको छोड़ के हम आर्टिफिशियल मेथड यूज करेंगे तो वो कहलाएगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन.
इन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्री टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग में ऐसा क्या कहते हैं, हम स्लांट कट देते हैं ताकि इजीली हमें वो इनर टिश्यू तक हम पहुंच सके, और उसको स्लांटिंग कट देके हम स्टेम को उसको ऑक्सीजन में डिप कर देते हैं। ऑक्सीजन के हेल्प से एक्सिलरी और एडवेंटिशियस रूट्स हमें बर्ड्स हमें मिल जाती हैं। फिर लेयरिंग, लेयरिंग इज ऑफ टू टाइप, ग्राउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग पाई जाती है जैस्मीन में, ये सूट बेंट होता है और जैसे ही सोइल को टच करता है नए प्लांट को जर्मिनेट करता है। और एयर लेयरिंग होती है गुआवा मैंगो में। एयर लेयरिंग में क्या होता है, इनर टिश्यू तक हम इस सूट को कट करते हैं, उस पे सोइल रैप करके उसको पॉलीथिन से हम रैप करते हैं। जैसे ही यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड वगैरह वो ग्रो करने लगती है, इसको डिटैच करके हम नया प्लांट हमें मिल जाता है। नेक्स्ट मान लीजिए ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो नीचे का पार्ट को स्टोक कहते हैं जिसमें सियोन को फिट किया जाता है, और ऊपर वाले पार्ट को सियोन कहते हैं। अब इसमें ये टंग ग्राफ्टिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जो रूट नीचे का पोर्शन है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, और जो सूट है ये ऑर्नामेंटल इसकी इंपोर्टेंस होती है। तो ग्राफ्टिंग कैन बी ऑफ थ्री टाइप, टंग ग्राफ्टिंग, बेस ग्राफ्टिंग एंड क्राउन ग्राफ्टिंग। लास्ट वन इज माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन इज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो कंट्रोल कंडीशन में लैब्स में होता है, जिसमें एक्सप्लांट को स्टरलाइज करते हैं, उसको आर्टिफिशियल कंडीशन, टेम्परेचर, ईटीसी देते हैं, और लास्ट में हार्डनिंग वगैरह करके हमें जो प्लांट मिलते हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि एक रैपिड वो है, इसमें वायरस प्री प्लांट में भी मिल जाते हैं, जैसे चाहे हम जैसी वैल्यूज के हमें प्लांट चाहिए, वायरस प्री प्लांट, डिजीज प्री प्लांट, इस तरीके के प्लांट हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से मिल जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एडवांटेज यही है, जिन जो प्लांट सीड जर्मिनेशन, सीड मेकिंग तक पहुंच ही नहीं पाते उनके लिए ठीक है, जो प्लांट वाइबल सीड बना ही नहीं पाते उनके लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ठीक है, और जो प्लांट वाइबल सीड बनाते हैं बट बहुत ही कम मात्रा में बनाते हैं उनके लिए भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत ठीक है, और जिन जो प्लांट डिजीज से जल्दी मर जाते हैं उनके लिए भी डिजीज फ्री प्लांट हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अच्छे फायदे भी हैं, और डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन है तो ये ओवर क्राउडिंग कर देता है, और एक जैसे ही हमें प्लांट मिलेंगे। देयर इज ए नो जेनेटिक वेरिएशन इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज।